दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ को चिपकाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है ग्लू यानी गोंद। दोस्तों, गोंद का इस्तेमाल आज भी डाकखानों में लिफाफे को चिपकाने में बड़े पैमाने पर किया जाता है। हमने खुद भी अपने जीवन में सैकड़ों बार गोंद का इस्तेमाल पेपर या बुक्स को चिपकाने में किया है। बाजार में कई तरह के ग्लू मिलते हैं, जिनमें से फेविक्विक भी एक है, जिसे हम सुपर ग्लू के नाम से जानते हैं। इस पदार्थ की खोज सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। तो क्या दोस्तों, आपने गोंद का इस्तेमाल करते समय कभी यह सोचा है, गोंद बोतल के अंदर क्यों नहीं चिपकता? तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए गोंद बोतल के अंदर क्यों नहीं चिपकता है। हम आपको बता दें, नियमित तौर पर जिस गोंद का इस्तेमाल हम करते हैं वह विभिन्न प्रकार के रसायनों से मिलकर बनता है, जो या तो चिपचिपा होता है या खिंचाव वाला होता है। तो दोस्तों, कई रसायनों को घोलने के लिए गोंद के अंदर पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो गोंद को तब तक तरल रखता है जब तक उससे कोई चीज चिपकाई ना जाए। जब आप कागज के टुकड़े पर गोंद लगाते हैं तो उसमें मौजूद पानी हवा के संपर्क में आ जाता है, जिस वजह से पानी वाष्पित यानी भाप बन जाता है, और जैसे ही पानी भाप बनता है गोंद सूख जाता है और कठोर हो जाता है और उन चीजों को पकड़ लेता है जिन्हें चिपकाने की आवश्यकता होती है। यही कारण है जब गोंद बोतल के अंदर होता है तो बोतल के अंदर पर्याप्त हवा नहीं जा पाती और पानी वाष्पित नहीं होता, जिस वजह से गोंद बोतल के अंदर नहीं चिपकता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका में एक साल में हर व्यक्ति औसतन 18 किलो ग्लू का यूज कर लेता है। आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।